हाल ही में ऑस्कर अवार्ड्स खत्म हुए हैं, तो इसीलिए हमने फैन से पूछ लिया कि बॉलीवुड में ऐसी कौन सी फिल्म है जिसको ऑस्कर्स मिल सकते हैं या वो फिल्म ऑस्कर्स के लायक हो, और उनका जवाब क्या था आइए देखते हैं। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। अभी हाल ही में ऑस्कर्स खत्म हुए, आप लोगों ने देखा ऑस्कर्स अभी खत्म हुए, पता है इतना तो पता है, पढ़ा तो होगा। हाँ, मगर अच्छा अगर ये पूछूं मैं कि बॉलीवुड में ऐसी कौन सी फिल्म है जो जिसको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। यारिया तो बकवास, यारिया को ऑस्कर अवार्ड नहीं 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 कभी नहीं। सो आई एम रियली थैंकफुल यारिया साल 2014 की पहली सुपरहिट डिक्लेयर हो गई है। एक दो साल में जो अभी रिलीज हुई है उनके हिसाब से कौन से किसको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए? रामलीला तो उसका आपके हिसाब से उसको ऑस्कर मिल जाए? ऑस्कर नहीं मिलना चाहिए, अच्छा ऑस्कर नहीं उतना नहीं उतना नहीं। आई थिंक बॉलीवुड में देयर आर हार्डली एनी मूवीज जिसको ऑस्कर जाना चाहिए, बिकॉज लाइक बहुत कॉमन स्टोरी रहती है, मतलब या तो लव स्टोरी होगी या तो फिर यू नो देयर इज अ यू नो इट्स वेरी कॉमन स्टोरी, हाँ एक्शन होता है, वो भी कुछ भी दिखा दे, रिक्शा से आके अभिषेक बच्चन वो वॉल तोड़ता है, एनी थिंग इज शोन। आई मीन कौन सी मूवी है? धूम 3 ऑब्वियसली। आदि को बोलता हूँ मैं, धूम 3 कॉमेडी लगता है वो एक्शन, दैट्स व्हाट आई फील। आपने तो मुझे एकदम एंबैरेस कर दिया। ऐसी कौन सी फिल्म है जो बिल्कुल ही बकवास है, आपको लगा होगा क्यों बनी है ये फिल्म? बोला ना यारिया, यारिया ने स्टूपिड था, कुछ भी दिखाया था। अच्छा यारिया को छोड़ के ऐसी कौन सी मूवी है जो बिल्कुल पसंद है? सन ऑफ सरदार, या आई थिंक सो। बहुत गंदी मूवी है, फुल ऐसे दरवाजे के बीच में ही रहती है फुल मूवी, बाहर नहीं जाते अंदर नहीं जाते, ना इस तरफ ना इस तरफ, ऐसे ही रहता है उसमें। अच्छा आपके हिसाब से सन ऑफ सरदार हो गया, यारिया हो गया, घनचक्कर हो गया, और कौन सी मूवी जो लगा आपको देखिए क्या बकवास है क्यों बनी है? नहीं मैंने धूम 3 के बाद कोई मूवी देखा ही नहीं एक्चुअली। आपने तो मुझे एकदम एंबैरेस कर दिया। बॉलीवुड की कोई फिल्म हो जो ऑस्कर के लायक हो वो कौन सी होगी और क्यों? मेरे हिसाब से पॉपी एंड माय नेम इज खान, गोलमाल। हाँ? गोलमाल को ऑस्कर मिलना चाहिए। क्यों? कॉमेडी बहुत अच्छी है। कौन सी फिल्म है जिसको आपको देख के लगा है फिल्म बनी क्यों, इसको तो कोई अवार्ड ही नहीं मिल सकता? ऐसी बेशरम स्टोरी कुछ अजीब। अच्छा आपके हिसाब से? शुद्ध देसी रोमांस, इट वाज पैथेटिक। आई थिंक जंजीर। बॉलीवुड में अगर कोई ऐसी फिल्म है जिसको ऑस्कर मिलने ही चाहिए, वो ऐसी लेटेस्ट फिल्म कोई एक दो साल में जो आई है उनमें से कौन सी एक फिल्म होगी जिसको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए? थ्री इडियट्स इज मोर बेटर। और ऐसी कौन सी फिल्म है जिसको देख के आप दोनों को लगा कि ये फिल्म बनी ही क्यों? हॉरर फिल्म आई थी डर एट द मॉल, क्यों क्यों है नहीं, मतलब क्या नहीं अच्छा लगा उसमें? टोटल लॉस ऑफ मनी मेरा। कितने रुपए का नुकसान हुआ यार? प्रोड्यूसर देखे हुए तो शायद आप जान, कितने रुपए का नुकसान हुआ? 500 का ही भगवान। अच्छा आपके हिसाब से कौन सी प्राण हाशमी की आई थी और विद्या बालन की? हाँ घनचक्कर, इट वाज वर्स्ट मूवी आई हैव सीन। एक्चुअली आई मस्ट टेल यू दैट व्हेन राज ऑफर्ड मी द फिल्म आई सेड नो वे आई कांट डू दिस।